हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं सर रिव्यू का अगला भाग, द्वितीय अध्याय आरंभ, वुल्फा प्रतिज्ञा। आज तक इस बात से अनभिज्ञ था मैं कि कोंकणी राज्य की एक और राजकुमारी भी थी। शैतान की बेटी माया ने मानवीय रूप में कोंकणी राज्य में जन्म लिया था, परंतु माया यह बात कैसे जानती थी कि वुल्फा ने सर्वेया को तंत्र विद्या से मति भ्रमित किया हुआ है। तुम मूर्ख थे वुल्फा, और सदैव मूर्ख ही रहोगे। अन्यथा तुमने मेरे पहले प्रणय प्रस्ताव को तभी स्वीकार कर लिया होता, तो अब तूने अपने षड्यंत्र को सफल बनाने के लिए यह चाल निकाली है, चालाक लोमड़ी। ठहरिए महारानी, कौन है तू पतित कन्या? तेरा यह दुस्साहस कि हमारे सम्मुख तू वुल्फानो नरेश से उद्दंडता करे, हम तेरी जिह्वा खींच लेंगे। इस अवस्था में क्रोध आपके और आने वाले युवराज के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। आप अपने शयन कक्ष में जाएं, हम इस उद्दंड कन्या को इसकी उद्दंडता का उचित उत्तर देकर आते हैं। अच्छा किया जो सर्वेया को हम दोनों के बीच से चलता कर दिया तुमने। नहीं भी करते तो क्या फर्क पड़ना था, वह बेचारी तो तुम्हारे गुरु की बनाई 18 मनकों की तंत्र माला की वशीभूत है। उसे सिर्फ वही दिखाई और सुनाई देगा जो तुम उसे दिखाना चाहोगे, सिर्फ वही सच लगेगा जो तुम उसे बताओगे। तू तू 18 मनकों की माला के बारे में कैसे जानती है चुड़ैल? मैंने जैसे ही अपनी बहन के गले में वो माला देखी, मैं समझ गई। यदि मैं चाहती तो अपनी तंत्र शक्ति से अभी उस माला के तंत्र को काट सकती थी। यदि मैं चाहती तो अपने पिता व कोंकड़ी के महाराज को उनकी प्यारी बेटी सर्वेया का पता बता देती, जो कि यहाँ एक भेड़िया मानव का खिलौना बनी हुई है। कोंकड़ी सम्राट अपनी पुत्री तक पहुँचने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और देर सवेर वे यहाँ तक पहुँचने का कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेंगे। परंतु यदि तुम मेरा प्रस्ताव मान लो तो मैं अपने माया जाल से तुम्हारे वुल्फानों को सदैव के लिए इंसानों की नजरों से ओझल कर दूंगी। क्या चाहती है तू चुड़ैल? वही जो हमेशा से चाहती थी। तुम्हें याद नहीं वह समय जब हम पहली बार मिले थे? तुम्हें याद है ना वह दिन जब तुम सर्वेया से प्रथम बार मिले थे? पहली मुलाकात में ही सर्वेया के रूप यौवन ने, उसके अप्रतिम सौंदर्य ने तुम पर जादू कर दिया था, परंतु तुम उसके लिए सिर्फ एक जंगली जानवर थे। यह शिकार मेरा है, अपना तीर निकालो और हमें यह शिकार लेने दो। देखो सुंदरी, यह शिकार मेरा है और इस पर अधिकार भी मेरा है। हाँ, अगर तुम प्यार से मांगो तो मैं ही शिकार तुम्हें दे दूंगा। हम भीख नहीं लेते नीच जानवर। सर्वेया तुम्हें दुत्कार कर चली गई, और तुम प्रेम पाश में बंधे उसे निहारते रहे। इस बात से अनभिज्ञ की सर्वेया उस जंगल में आखेट करने अकेली नहीं आई थी, मैं भी वहीं उपस्थित थी और यह पूरा मंजर देख रही थी। परंतु तब मैंने सामने आना सही न समझा। उफ, बहुत तेज है ये, यहाँ सीधे हमारे यह सीधे हमारे हृदय में उतर गई है। तुम्हारी प्रेम अगर ने तुम्हें इतना तपाया कि सर्वेया को तलाश करते हुए तुम फिर कुछ दिनों पश्चात उसके सामने पहुँच गए। हम तुम्हें वुल्फानों की रानी बनाना चाहते हैं सुंदरी। तेरा ये दुस्साहस, जंगली जानवर होकर हमसे बराबरी करने की चेष्टा करता है, यह रहा हमारा जवाब। यदि आइंदा हमारे सम्मुख आने की कुचेष्टा की तो ये खंजर तेरे हृदय के पार होगा। सर्वेया का जवाब तुम्हारे दिल पर घाव कर गया, और मैं तुम्हारे उस घाव पर मरहम लगाना चाहती थी। ओ, तुम्हें तो काफी गहरा घाव लगा है। कौन हो तुम? वहां पेड़ के पीछे छुपकर क्या कर रही थी? मैं माया हूँ, सर्वेया की छोटी बहन। तुम छुपकर हम पर नजर क्यों रख रही थी? मैं छुपी हुई नहीं थी, तुम ही दीदी सर्वेया के दर्शन में इतने मशगूल थे कि तुम्हारी दृष्टि ही मुझ पर ना पड़ी, ना आज और ना ही पिछली बार। पिछली बार यानी तुम तब भी आसपास ही मौजूद थी? बिल्कुल, तभी तो मुझे पता है कि वह किस प्रकार तुम्हारा तिरस्कार कर रही है। इसके बावजूद भी तुम कैसे मेरी बड़ी बहन पर मोहित हो, जबकि मेरे हृदय में तुम्हारे लिए वही भाव है जो तुम सर्वेया के लिए रखते हो। यह ऊंचा लंबा कद, गठीला बदन, रौबदार आवाज, मैं तो पहली नजर में ही तुम्हारी दीवानी हो गई थी। तो तुम मर्यादाओं की सीमा लाग रही हो राजकुमारी माया, यह जानने के बावजूद भी कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन सर्वेया से प्रेम करता हूँ, जिसे तुम्हारे प्रेम की कोई कदर ही नहीं, उसे पाने की इच्छा क्यों करते हो? मुझसे ये बेरुखी क्यों वीर भेड़िया मानव? क्या मैं रूप यौवन में किसी भी प्रकार अपनी बड़ी बहन से कम हूँ? नहीं, तुम किसी भी तरह सर्वेया से कम नहीं हो, उससे कहीं अधिक सुंदर हो। तुम्हारा छलकता हुआ रूप यौवन किसी को भी पागल कर दे, दीवाना बना दे, पर तुम एक बात भूल गई, मैं भेड़िया हूँ। अपनी शिकारी नजर से सिर्फ सूरत नहीं, सीरत तक की असलियत पढ़ लेता हूँ। मेरी भेड़िए की नाक आत्मा से मक्कारी की दुर्गंध भी सूंघ लेती है। सर्वेया बोलने में तीखी है, स्वभाव से उद्दंड है, परंतु उसका हृदय कलुषित नहीं है, उसकी आत्म पवित्र है, जबकि छल और कपट तेरी रग रग में भरा हुआ है।
तेरे दिल का कालापन देख सकता हूँ मैं, तेरे कलुषित इरादों में कुलबुलाते षड्यंत्र की सड़ान सुख सूंघ सकता हूँ मैं। बहुत खूब, तुम उतने बड़े भी मूर्ख नहीं हो जितना मैंने तुम्हें समझा था। मतलब मैं सीधे मुद्दे की बात पर आ सकती हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ भेड़िया मानव, इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम में मरी जा रही हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे एक संतान चाहिए। तुम्हारे और मेरे संयोग से उत्पन्न होने वाली संतान मानव और पशु रूप का संयुक्त रूप होगी, यानी वह सर्वश्रेष्ठ संतान जो पशु मानवों और मानव दोनों पर राज करेगी। मेरा जवाब यह है, यदि दोबारा मेरे और सर्वा के बीच आने की चेष्टा की तो इन खंजर से पहने नाखूनों से तेरे पूरे जिस्म की चमड़ी खरच खरच कर उतारेगा वुल्फा। तुझसे इसी मूर्खता की अपेक्षा थी मंदबुद्धि भेड़िए, पर तू माया की शक्तियों से परिचित नहीं है। तुझसे संतान प्राप्ति के लिए मुझे तेरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। माया का जादू तुझे मेरा गुलाम बना देगा, तू वही करेगा जो मैं तुझे कहूंगी। आह, मेरा तंत्रवार मुझ पर ही पलट कर वार कर रहा है, यानी तू पहले से ही तंत्र सुरक्षा कवच धारण किए हुए। अवश्य यह गुरुराज का काम होगा। तंत्र सुरक्षा कवच के कारण तू माया के जादू से बच गया और तेरे इरादों को मैं बदल ना पाई, इसलिए मुझे वापस लौटना पड़ा। पर मैं हार मानकर वापस नहीं लौटी थी वुल्फा, बल्कि अपनी उस योजना के तहत लौटी थी जिसे अमली जामा पहनाने का समय अब आ गया है। किस योजना की बात कर रही है तू चुड़ैल? जब तूने मुझे अपनाने से इनकार किया तो पहले तो मुझे बहुत क्रोध आया, फिर मैंने सोचा कि अपनी उद्देश्य पूर्ति के लिए जीवन भर तेरे जैसे बदसूरत जानवर की पत्नी बनकर रहने की क्या जरूरत है, जब मेरा मतलब उसके बगैर भी पूर्ण हो सकता है। मैं जानती थी कि जिसने तुझे तंत्र सुरक्षा कवच प्रदान किया है वह तंत्र ज्ञाता देव सबीर मुझे कोई ऐसी वशीकरण शक्ति भी अवश्य देगा जिससे तू सूर्या को अपने वश में कर ले, और मेरा सोचा सही हुआ। तू वशीकरण में जकड़ी सूर्या को यहाँ वुल्फानो ले आया। तेरे तंत्र ज्ञाता गुरु ने वुल्फानो को धरती पर रहते हुए भी गुप्त व्यूह तंत्र से मानवों की नजरों से ओझल किया हुआ है। यही कारण है कि सूर्या की गायब हो जाने के पश्चात चहुं दिशाओं में ढूंढे जाने पर भी कोई वुल्फानो तक नहीं पहुंच पाया। इतने समय तक अथक प्रयासों के बाद अंततः मैं गुप्त व्यूह तंत्र को भेद कर वुल्फानो में प्रवेश करने में सफल हुई। मेरी तंत्र दृष्टि भी तेरे गुरु को इस गुप्त व्यूह से टकरा कर लौट गई थी, परंतु मुझे यकीन था कि भेड़िया मानवों की छुपी हुई नगरी इसी स्थान पर कहीं है। सोचो क्या होगा यदि मैं अपने पिताश्री और कोंकड़ी की दुर्दांत सेना को वुल्फानो का पता बता दूं। आखिर चाहती क्या हो तुम तो माया? वुल्फा और सूर्या की संतान चाहिए मुझे, माया। मैंने कहा था ना, अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए मुझे इस बदसूरत भेड़िए की पत्नी बनने की जरूरत नहीं। अब फैसला तुम्हें करना है। बच्चा तो तुम दोबारा भी पैदा कर सकते हो, लेकिन यदि कोंकड़ी की सेना वुल्फानो में प्रवेश कर गई तो यहाँ इतनी लाशें गिरेंगी कि वुल्फानो और भेड़िया वंश का वंशज पैदा करने वाला ही कोई नहीं बचेगा। अपनी संतान को तेरे कुछ से तेरा की पूर्ति के लिए सौंपने से पूर्व मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। खच्चाक लीजिए गुरुराज, समस्या का यही समाधान हो गया। नहीं वुल्फानो सम्राट, इतनी बड़ी मुसीबत इतनी सरलता से खत्म नहीं हो सकती, इसमें अवश्य कोई भेद। माया की असीम शक्ति से अनभिज्ञ हो तुम लोग। तुमने जिसे मारा वह मेरा तंत्र प्रतिरूप था मूर्ख, तुम असली माया तक कभी नहीं पहुंच सकते। मैं तुम्हें सोचने के लिए सिर्फ तब तक का समय देती हूँ जब तक सूर्या की संतान जन्म नहीं लेती। संतान के जन्म लेते ही तुम उसे मुझे सौंप दोगे, अन्यथा कोंकड़ी की सेना को वुल्फानो का मार्ग दिखाकर वुल्फानो को पतन के मार्ग पर धकेल दूंगी। आखिरकार वह दिन आ ही गया गुरुराज जिसका हमें अंदेशा था। क्या आप अभी भी अपने निर्णय पर अटल हैं जो आपने उस रात लिया था? हाँ गुरुराज, मेरा यह निर्णय बदला नहीं जा सकता। मुझे आज भी आपके और मेरे बीच हुई वह वार्ता याद है गुरुराज, जब हम सूर्या के हाथों घायल होकर वापस वुल्फानो लौटे थे। इस राज्य में ऐसा कौन सा शूरवीर पैदा हो गया जो वुल्फानो नरेश वुल्फा को घाव दे सके? यह जख्म सीने पर नहीं गुरुराज, हमारे दिल पर लगा है। राजकुमारी सूर्या ने हमारे हृदय को अपने सौंदर्य से घायल कर दिया है। ओ महाराज, मैंने आपको पहले ही मानवों के प्रति आगाह किया था, परंतु अब तो स्थिति आपातकालीन होने की ओर अग्रसर है। हम आपका तात्पर्य नहीं समझे गुरुराज, वुल्फानो का अस्तित्व घोर संकट में है महाराज। वुल्फानो के रहते किसका साहस हो सकता है जो वुल्फानो की ओर वक्र दृष्टि करके देखे? कोंकड़ी सम्राट कोंकण। क्या महाराज, जब पृथ्वी पर महर्षि कश्यप ने सृष्टि की स्थापना और विस्तार आरंभ किया तब सुरभि ताम्रा गद्र आदि अन्य पशु मानवी भार्याओं के संयोग से विभिन्न पशु मानव जातियों की उत्पत्ति हुई।
कश्यप की श्रेष्ठ संतान है, देवता स्वर्ग और असुर लोक में स्थापित हो गए। वहीं पृथ्वी पर बनी मानव और विभिन्न पशु मानव जातियों की, कुछ समय तक तो मानवों ने इन विभिन्न पशु मानव जातियों से सामंजस्य बना कर रखा, परंतु स्वाभाविक पाशविकता मानवों में पशुओं से अधिक होती है महाराज। शीघ्र ही मानवों ने अलग अलग सीमाएं और राज्य स्थापित करना आरंभ कर दिए और उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था अपनी सीमाओं, अपने राज्य का विस्तार और दूसरे राज्यों और जातियों का दमन। विभिन्न राज्यों के शासकों के बीच महायुद्ध होने लगे। जीतने वाला हारने वाले के पूरे राज्य को अपने अधीन कर अपने राज्य का विस्तार करता। जैसे जैसे समय बीतता गया, वर्चस्व का यह अंधा युद्ध और भयावह रूप धारण करता गया। खुद को दूसरे राज्यों और राजाओं से अधिक शक्तिशाली बनाने की होड़ में मानव पशु मानव की जातियों पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन बनाने लगे। पशु मानव मानवों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, परंतु दिमाग की ताकत के आगे शरीर की ताकत हमेशा हारती आई है और दिमाग में तो मानव इतने कुटिल हैं कि देवताओं को भी छल लें। छल कपट से घात लगाकर, व्यू रचकर या अन्य दिमागी हथकंडों से मानव पशु मानव जातियों को अपना गुलाम बनाते चले गए। ऐसे गुलाम जो इन मानवों के लिए इनके वर्चस्व की लड़ाई लड़ते और अपने प्राण गंवाते। धीरे धीरे सृष्टि की विभिन्न पशु मानव जातियां मानवों की इस लालच की आहुति चढ़ने लगी। नाग जाति, अश्व जाति, व्याल जाति समेत अन्य कई ऐसी पशु मानव जातियां थी जो विलुप्त होने से बचने के लिए धरती पर अलग अलग गुप्त व्यू में बस गए। यही वह समय था जब प्रकृति की पुत्री नैना की रक्षा की महाकाय पशु भेड़िया ने। नैना महाकाय भेड़िए पर मोहित हो गई और भेड़िए के साथ संयोग कर उसने जन्म दिया पृथ्वी की सृष्टि के प्रथम भेड़िया मानव वुफालू को। वुफालू महापराक्रमी था और साथ ही वह प्रकृति का रक्षक था। मानव से अधिक वुफालू ने प्रकृति और वन्य प्राणियों की रक्षा की, जिससे प्रसन्न होकर प्रकृति ने मानव पुत्रों से महाशक्तियां छीन कर वुफालू में स्थानांतरित कर दी। अन्य पशु मानव जातियों की तरह भेड़िया मानव वुफालू पर काबू पाना मानव के वश का नहीं था। वुफालू अकेले ही मलेच्छों और मानवों पर भारी था। वुफालू का पृथ्वी का नायक बनना मानवों को बर्दाश्त नहीं था। वह किसी भी तरह वुफालू को खत्म करना चाहते थे और उसमें उनकी सहायता की प्रलया के पुत्र मलेच्छ सूकर ने। सूकर ने अपने षड्यंत्रों का मोहरा बनाया मानव कन्या अनन्या को, जो कि वुफालू को अपना दिल दे बैठी थी। अपने कर्तव्यों के वशीभूत वुफालू ने अनन्या के निश्चल प्रेम को ठुकराने का भरसक प्रयास किया, परंतु प्रेम तो वर्षा की वह फुहार है जो मरुस्थल में भी पुष्प खिला दे। वुफालू के दिल में भी अनन्या के लिए प्रेम के अंकुर जन्म लेने लगे, परंतु सूकर के षड्यंत्र की आंधी उसके कोमल निश्चल प्रेम के साथ अनन्या को भी किसी निरीह पुष्पी की भांति रौंदती चली गई। वुफालू ने अनन्या की हत्या का उत्तरदायी मानवों को माना और मानवों पर कहर बनकर टूट पड़ा। अंततः जिस प्रकृति ने वुफालू को शक्तियां दी थी वही उस पर कुपित हो उठी और वह श्राप दिया कि जब भी वुफालू का कोई भी वंशज किसी मानव स्त्री पर आसक्त होगा उसका विनाश होगा। अनन्या ने अपनी मृत्यु से पूर्व वुफालू से वुफालू के खेद और अपने रक्त से कुंभों में भेड़िया मानव शिशुओं की उत्पत्ति की, जिससे हमारे भेड़िया वंश की उत्पत्ति हुई। वुफालू नहीं चाहते थे कि उनके वंशजों का भी पतन उनकी ही तरह हो, इसलिए वुफालू ने दुर्गम वनों में वुल्फानों की स्थापना की। ओह, अर्थात आप ये कहना चाहते हैं गुरुराज कि यदि हमने राजकुमारी सर्वेया का मोह किया तो हमारा भी पतन होगा? बात सिर्फ इतनी सी नहीं है महाराज। जब आप प्रथम बार आकेट पर गए और राजकुमारी सर्वेया से टकराए तभी हमें इस बात का संदेह हो गया था कि यह विधि का विधान ही है जिसने आपको और सर्वेया को आमने सामने किया। मुझे आपकी चिंता उसी समय से सताने लगी और मैंने आपकी जानकारी के बगैर एक तंत्र सूचक आप पर प्रक्षेपित कर दिया जो कि आपके पल पल की खबर मुझे दे रहा था। उसी तंत्र सूचक ने माया के तंत्रवार से कवच की तरह आपकी रक्षा की। ओह, आप माया वाले प्रकरण के बारे में भी जान चुके हैं महाराज? ए गुरुराज, सिर्फ उस प्रकरण के विषय में ही नहीं महाराज, मैं माया के बारे में भी अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करके कुछ ऐसा जान चुका हूँ जो कोई नहीं जानता। क्या जान चुके हैं आप गुरुराज? यही कि माया प्रकृति की प्रतिद्वंदी तामसिक शक्ति प्रलय का ही अवतार है। हे भेड़िया देवता, यह विधि का विधान ही है जो प्रकृति और प्रलय की शक्तियों को एक बार फिर आमने सामने खड़ा कर रहा है, आपको प्रकृति की शक्ति के रूप में और माया को प्रलय की शक्ति के रूप में। यदि ऐसा है भी गुरुराज तो हम माया की शक्ति का मुंह तोड़ प्रत्युत्तर देंगे। आपके पराक्रम पर हमें तनिक भी संदेह नहीं महाराज, परंतु एक तो भेड़िया वंश का यह युगो पुराना श्राप आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, दूसरे कोंकड़ी की सेना को परास्त करना भेड़िया वंश क्या सृष्टि की किसी भी पशु मानव जाति के लिए संभव नहीं, क्योंकि कोंकड़ी के सम्राट राजा कोंकड़ को स्वयं पशु
पशुपतिनाथ शिव का वरदान है कि संसार का कोई भी पशु मानव उसे परास्त नहीं कर सकता। जिस पशु मानव से भी कोंकड़ का सामना होगा वह कोंकड़ का गुलाम बनकर रह जाएगा। क्या सूर्या का त्याग करके इस स्थिति को टाला जा सकता है? माया का और आपका सामना हो चुका है महाराज। प्रकृति और प्रलय की शक्तियों के टकराव को कोई टाल नहीं सकता, यानी पतन निश्चित है। यही बात तो हमें भीतर से खोखला किए जा रही है महाराज। नहीं गुरुराज, यदि यह विधि का विधान है तो वुल्फा इसे अवश्य पूर्ण करेगा। यदि भेड़िया वंश के श्राप को वुल्फा की आहुति चाहिए तो उसे वह आहुति अवश्य मिलेगी, परंतु यही पतन भेड़िया वंश को श्राप से मुक्ति दिलाएगा और प्रलय की शक्तियों की काट के रूप में जन्म लेगा। हम आपका तात्पर्य नहीं समझे महाराज। अब हमारी समझ में आ गया है गुरुराज की माया हमसे संतान उत्पत्ति क्यों चाहती थी। जब नैना ने महाकाय भेड़िया से संयोग किया तब प्रथम भेड़िया मानव बुफालू का जन्म हुआ। बुफालू और मानव कन्या अनन्या का संयोग कभी हुआ ही नहीं। अनन्या ने बुफालू की खेद और अपने रक्त स्वेद और अपने रक्त के कुंभों में भेड़िया मानव पुत्रों की उत्पत्ति की। इसके पश्चात किसी भी भेड़िया मानव का मानव कन्या से संयोग कभी हुआ ही नहीं। अब यदि किसी भेड़िया मानव का संयोग किसी मानव कन्या से होता है तो भेड़िया वंश का श्राप उस भेड़िया मानव का तो पतन कर देगा, परंतु जिस संतान की उत्पत्ति होगी उसमें मानव गुण पहले के भेड़िया मानव से अधिक विद्वान होंगे, अर्थात वह मानवों सा बुद्धिमान और भेड़ियों सा शक्तिमान होगा। एक ऐसी श्रेष्ठ जाति की प्रथम कड़ी होगा वह जो मानव और पशु मानव दोनों में सर्वश्रेष्ठ होगा। माया यह बात पहले ही जानती थी, इसलिए वह भेड़िया वंश के वंशज को अपनी कोख से जानना चाहती थी ताकि प्रकृति और प्रलय की लड़ाई में जीत प्रलय की ही हो। युगों पुराने श्राप का अंत करने और भेड़िया वंश को बचाने के लिए हमारी अंतिम उम्मीद अब इस संतान की उत्पत्ति करना ही है गुरुराज भाटकी। अर्थात आप आने वाले भेड़िया वंश को बचाने के लिए अपनी आहुति देना चाहते हैं महाराज। मैं सिर्फ अपना राजधर्म निभा रहा हूँ गुरुराज। मेरे और सूर्या के संयोग से उस श्रेष्ठ भेड़िया मानव पुत्र का जन्म होगा जो मानव और भेड़िए का सम्मिलित रूप होगा। मानव और भेड़िए दोनों इसके अधीन होंगे। कोंकड़ को मिला वरदान भी इस पर कारगर सिद्ध नहीं होगा। अब वह समय आ गया है गुरुराज जब हमारा ये श्रेष्ठ पुत्र जन्म लेने वाला है। श्राप के तहत हमारा पतन तो निश्चित है, परंतु यह दायित्व हम आप पर सौंपते हैं कि आप हमारे इस पुत्र को ऐसा श्रेष्ठ योद्धा बनाएंगे जिसके आगे संसार का कोई भी योद्धा धूली भी ना हो। हमारे पराक्रमी पुत्र को सही समय आने तक दुनिया की नजरों से बचाकर रखना आपका दायित्व होगा गुरुराज। आने वाले कल के लिए आज को बर्बाद करना कहीं कहीं की समझदारी नहीं है महाराज, परंतु हम भी अपने राजधर्म से विवश हैं। हम चाहकर भी आपके आदेश के विरुद्ध नहीं जा सकते। हम वचन देते हैं महाराज, आपको हमें एक वचन और देना होगा गुरुराज। हम नहीं चाहते कि हमारा पुत्र जीवन में कभी भी अपने मानव और पशु दोनों रूपों को लेकर संशय में रहे। उसके ये दोनों ही रूप उसकी परिपूर्ण शक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि उसे ये पता चले कि उसकी उत्पत्ति के लिए उसके पिता ने अपने भाग्य में पतन लिख लिया। वचन दीजिए गुरुराज, आप उसके जन्म का यह कारण उसे जीवन में कभी नहीं बताएंगे। यह तो आपने हमें घोर दुविधा में डाल दिया महाराज। यदि मैं आपका यह आदेश मानता हूँ तो आपके पुत्र के सम्मुख आपकी छवि एक ऐसे दम्भी राजा की बनेगी जिसने अपने हठी धर्म में उसकी माता का अपहरण कर उससे छल पूर्वक विवाह किया, जिसके बदले में उसे बर्बादी और पतन का सामना करना पड़ा। परंतु यह सत्य कदापि नहीं है। सत्य क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गुरुराज। आज से वुल्फा का यही सच होगा जिसे पूरे संसार समेत वुल्फा का पुत्र भी जानेगा। मैं भेड़िया देव हे भेड़िया देवता, पिताश्री ने मेरे अर्थात एक संपूर्ण भेड़िया मानव की उत्पत्ति के लिए अपना सर्वस्व नाश स्वीकार लिया। ओह निविलार के स्मृति दृश्य बदल रहे हैं। मेरा जन्म हो चुका है, मेरा पुत्र, मेरा कोबी, भेड़िया वंश के युगों पुराने श्राप से तू ही मुक्ति दिलाएगा हमें। तू सर्वश्रेष्ठ होगा क्योंकि तू इंसान भी है और भेड़िया भी। तेरा यह रूप ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है बेटा। अपने पिता के इस बलिदान को व्यर्थ न जाने देना। तेरा गुनाहगार रहूंगा क्योंकि तुझे न माँ का आंचल नसीब होगा न बाप का साया, पर जिस महान दायित्व के लिए तेरा जन्म हुआ है उसकी पूर्ति के लिए तेरे जीवन में भावनाओं का स्थान सदैव रिक्त रहना अनिवार्य है। समय हो गया है महाराज, माया ने आखिरकार अपनी चाल चल दी। आपके युवराज कोबी को इसे ना सौंपने के निर्णय से कुपित होकर उसने अपने तंत्रवार से वुल्फानों के सुरक्षा घेरे को भेद दिया, जिससे महाराज कोंकड़ के गुप्तचरों को वुल्फानो नजर आ गया। जाने कब ये गुप्तचर हमारे बीच भेड़िया मानवों का भेष बनाकर घुस आए और महारानी सूर्या के यहाँ होने की खबर कोंकड़ तक पहुंचा दी। महाराज कोंकड़ अपनी दुर्दान सेना के साथ युद्ध हेतु वुल्फानों की सीमा पर खड़ा है।
हम अपनी धरोहर आपको सौंप रहे हैं गुरुराज। आपको हमारे पुत्र को यह अमोधास्त्र बनाना है जो मानव और भेड़िया मानवों के बीच युगों से चल रही शत्रुता का नाश करके प्रकृति के एक सम्मान राष्ट्र की स्थापना करे, जहाँ वनों वन्य प्राणियों पशु मानवों और मानवों में सानिध्य और सौहार्द हो। आप निश्चिंत रहे महाराज, यह गुरुराज भाटगी का वचन है। आपको भी को भी से बड़ा प्रकृति का रक्षक दूसरा और कोई ना होगा। युद्ध पर जाने से पूर्व हम अंतिम बार मिलना चाहते हैं अपनी पत्नी सुरवेया से। हम जानते हैं प्रिय कि आप हमें सुन नहीं सकती। हमारे आदेश पर ही गुरुराज ने आपको तीव्र निंद्रा की वर्षा दी है, क्योंकि हम एक ऐसे युद्ध का सामना तो कर सकते हैं जो कि हम जानते हैं कि हम कभी नहीं जीतेंगे। परंतु इस युद्ध को लेकर आपके हृदय में जो सवाल उमड़ते और फिर हमारे प्रेम के आवरण को नफरत की तलवार से चीर कर जो सत्य आपके समक्ष आता, उसका सामने करने का साहस हमने नहीं है। अपने पुत्र की तरह ही हम आपके भी दोषी हैं। आपके प्रेम को छल से पाने की घृष्टता की है हमने। शायद यही कारण है कि इस तरह हमारे प्रेम का वह संसार उजड़ने वाला है जिसे झूठ की बुनियाद पर हमने बनाया अवश्य था, परंतु यह संसार और हमारा प्रेम उतना ही पवित्र है जितनी यह प्रकृति है, जिसके श्राप का वहन करने हेतु हम अपना सर्वस्व लुटाने जा रहे हैं। जब आपकी यह निंद्रा टूटेगी, तब तक हम आपसे बहुत दूर जा चुके होंगे। आपको शायद वापस कोंकड़ी ले जाया जाएगा और इस 18 मानकों की माला के तंत्र से आप मुक्त हो चुकी होंगी। तब आपके हृदय आपके जीवन में वुल्फा की याद भी शेष नहीं रहेगी। यदि कुछ होगा तो हमारे लिए अपार घृणा, पर उस समय के आने से पूर्व इस गुजरते हुए पल के साथ हम वुल्फानो सम्राट वुल्फा आपसे यह वादा करते हैं कि इस जन्म में ना सही, परंतु हमारी यह अधूरी प्रेम कहानी अवश्य पूर्ण होगी। यदि वुल्फा का प्रेम सच्चा है तो सर्विया का पाषाण हृदय भी एक न एक दिन अवश्य पसीजेगा। पति और पिता ने आंसू बहा लिए। अब एक राजा का अपने राज्य की रक्षार्थ शत्रु का लहू बहाने का समय आ गया है। द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय आरंभ। बिसात एनर्जी कंप्रेस लॉक से आर पार गुजरकर उन्हें सिर्फ एक ही शख्स अनाधिकृत तरीके से खोल सकता था, स्टीमर। इलेक्ट्रिसिटी या फिर ऊर्जा स्टीमर के वाष्प रूप सब भी असर है। एक एक करके नार्कों के प्रिजन सेल अनलॉक हो रहे हैं। बड़ी हसरतों से इंतजार किया है मुद्दतों का। तुम्हारे आशियाने का जनाजा आज हमारी बिसात पर होगा। तोड़ डालो हाथी बिना ऊर्जा प्रवाह के इन सलाखों की बिसात। तुम्हारे आगे तिनके सरीकी है। वार कमांडोज को इतने मेजर प्रिजन ब्रेक की खबर न लगे यह असंभव है। जल्दी यह नार का प्रिजन एरिया वार जोन में बनी नजर आएगी। एवरीबॉडी फ्रीज, अपनी जगह रुक जाओ वरना। जैसा कि सोचा था, वार हेडक्वार्टर पर हमले के बाद बड़ी सैन्य टुकड़ी हेडक्वार्टर की सुरक्षा के लिए आ जाएगी, जिससे गर्भगृह में तैनात वार कमांडोज की संख्या अप्रत्याशित रूप से घट जाएगी। यानी पोलका और किंग कोबरा के लिए मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करने का रास्ता खुल जाएगा। अभी तो प्लानिंग बिल्कुल सटीक बैठी है प्रिंसिपल, हमारे पूरे लाओ लश्कर के साथ इन पर धावा बोला। फिर जंग में जानते बूझते इनका पलड़ा भारी होने दिया। यहाँ हमने स्टीमर की सहायता से कैदियों को छुड़ा लिया, अब आगे क्या? ये लोग नहीं सुनने वाले। बटालियन टेक पोजीशन एंड शूट। अब आगे तमाशा देखो, मौत का तमाशा। जिंग 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 जिंग। एक दर्दनाक विवश और भयानक मौत का तमाशा। उफ, कौन है ये दरिंदा? मागरा, असीम मानवीय शक्ति का मालिक है। यहाँ बेचारा छोटी मोटी चोरियां करता था पहले। मुझे एक गटर के भीतर मरणासन्न हालत में मिला था। मैंने इसे पाल लिया। मैं इसे इलाज के लिए डॉक्टर वायरस के पास ले गया था। वायरस की दवाओं ने जादू सा असर दिखाया है। वाह, जेनेटिक म्यूटेशन में नया आयाम जोड़ेगा मेरा यह वन्य अजूबा। जल्दी इसके जैसे हरे भरे पूरी दुनिया में हरियाली फैला रहे होंगे। हमें फौरन निकलना चाहिए। नहीं हादसा खान, मैंने कहा ना, अभी तो तमाशा देखने का समय है। स्टीमर और मागरा मिलकर रास्ता खाली करेंगे ताकि रतन डागा वॉर की इन्वेंट्री तक पहुंच सके। आपको लगता है प्रिंसिपल कि रतन डागा वाकई इतना काबिल है कि वॉर इन्वेंट्री में मौजूद सभी हथियारों को हैंडल कर सके? बिल्कुल नहीं, वॉर इन्वेंट्री में उसका काम सिर्फ हैंडलर का होगा, जब तक हमारे असली थिंक टैंक आकर इन्वेंट्री टेक ओवर नहीं कर लेते। बहुत दिनों से इन दांतों में खून की प्यास कुल बुला रही थी।
अगर प्रिंसिपल का आदेश नहीं होता तो मागरा कभी भी इनकी पकड़ में नहीं आता। वाश पर अपनी बुलेट्स क्यों बर्बाद कर रहे हो बेवकूफों? जितनी देर में तुम्हारी उंगलियां ट्रिगर पर कसेंगी उसके आधे टाइम में स्टीमर तुम्हारी नाक में घुसकर तुम्हारे फेफड़े उबाल चुका होगा। बड़े काम की चीज है तू तो स्टीमर। तुझे मैं घर पर मोमोज बनाने के लिए रख लेता, पर तेरी ये कहीं से भी घुसकर कहीं से भी निकल जाने की गंदी आदत पसंद नहीं मुझे। नमी तुम दोनों की ही शक्ति है जो कि यहाँ गर्भगृह में प्रचुर मात्रा में है, इसलिए कूद रहे थे ना। यहाँ फ्लेम थ्रोअर तेरी वाष्प सुखा देगा स्टीमर, और मगरा तू भी आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। उफ उफ, फ्लेम थ्रोअर लेकर आया है ये तो। आह आह, नहीं आग नहीं, कुछ भी पर आग नहीं। क्यों नहीं भाई, तुम सी ग्रेड विलेन अपने आप को बड़ा ग्रैंड मास्टर समझे हुए हो, गेम चेंजर हो। तुम्हारा 15 मिनट्स ऑफ गेम यहीं खत्म होता है। इसे अपनी खुशकिस्मती समझो कि नक्षत्र किसी की जान नहीं लेता, वरना जिस निर्दयता से तुम दोनों ने सैकड़ों वार कमांडोज की जानें ली हैं, उसके लिए तुम दोनों को जान से मार देना चाहिए। ये तो पिट गए। ये कम्बक नक्षत्र ध्रुव की ही फोटो कॉपी है। मुसीबत का अवतार है ये भी, मनहूस है। इससे सबक लेने की जरूरत है वायरस। सिर्फ विलेंस की शक्तियां बढ़ाए जाने से वे अजय नहीं होते, उनकी कमजोरियों को दूर करना ज्यादा जरूरी है। बैडमैन और उसकी टोली भी पहुंच गई। अब क्या करेंगे प्रिंसिपल? अब रतन डागा को तुम लीड करोगे हादसा खान। जहां तक बैडमैन और उसकी टोली का सवाल है, इनके लिए तो पूरी बिसात बिछाई है मैंने। बादशाह अपने पिटे हुए मोहरों से कह कि आत्मसमर्पण कर दे, वरना बैडमैन खेलने पर आ जाए तो गोटियां टाइट कर देता है। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी का फॉर्मर एजेंट बैडमैन, बहुत नाम सुना था तेरा। अमेरिका में तुझसे आमना सामना नहीं हो पाया कभी बादशाह का। क्या पता था कि दुनिया के खत्म होने से पहले हमारा यूं आमना सामना होगा। पिछली बार जब तुम और तुम्हारी गोटियां हिंदुस्तान में नुमाया हुए थे, तब खातिर का मौका नहीं मिला। स्टील और तिरंगा से पिटकर ही तुम लोग अंडरग्राउंड हो गए। तुम्हें वाकई लगता है कि अमेरिका के सबसे बड़े आतंकी संगठन शतरंज को हराना इतना आसान था? स्टील और तिरंगा ने जिसे हराया था वो तो सिर्फ मेरी भेजी हुई शतरंज की निम्न स्तरीय रिप्लिका टीम थी। असली शतरंज यहाँ है। ये प्यादे कोई मामूली सिपाही नहीं है। ऐसी कोई भी युद्ध कला नहीं जिसमें यह सिद्ध हस्त ना हो। ये हाथी जेनेटिक म्यूटेशन से इसे संसार का सबसे शक्तिशाली और सबसे दुर्दांत उत्प्रवर्तक बनाया गया है। घोड़ा आधा मशीन आधा इंसान और कंप्लीट किलिंग मशीन, इसकी रफ्तार बिजली को भी मात दे सकती है। दुनिया का ऐसा कोई हथियार नहीं जो टेढ़ी चाल चलने वाले मेरे ऊंट के हाथों का खिलौना बनने से इनकार कर दे। वजीर, इसका आधा शरीर इंसान और आधा मशीन है। युद्ध कला में इतना पारंगत कि सारे प्यादे मिलकर भी इसके सर का बाल नहीं छू सकते। हथियारों और अस्त्रों का महाज्ञाता है ये, और मैं इनका बादशाह। मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें इन सबसे गुजरना होगा। जब बिसात बिछी चुकी है तो खेल शुरू किया जाए। तृतीय अध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय, हाउस ऑफ कार्ड्स। कम ऑन किंग, हमें ये निर्थक ड्रिल दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे फ्लैश गैंग को मैंने अकेले ही पकड़कर नारका में बंद किया था। मेरे हाथ तो दोबारा पिटकर बंद होने से अच्छा है कि तुम लोग खुद ही चुपचाप अपने सेल में वापस चले जाओ। पहली बात, तुमने हमें नहीं पकड़ा नक्षत्र, हम लोगों ने जानबूझकर तुम्हें हमें पकड़ने दिया। दूसरी बात, अब हम लोग फ्लैश गैंग नहीं है, बहुत कॉमन साउंड करता है। अब हम हैं खूनी पत्ते, और इस समय तुम हो खूनी पत्ते के सबसे खतरनाक खेल हाउस ऑफ कार्ड्स में। फिलहाल न मेरा पत्ते खेलने का मूड है और ना ही मेरे पास तुम्हारे खेलों के लिए टाइम है। मैं तुम्हें कोई तीसरा रास्ता नहीं दे रहा मेरे दोस्त। हाउस ऑफ कार्ड्स के चक्रव्यूह में आने के बाद निकलने के सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, जीत का या मौत का। आह, इनकी पोशाकों में बिजली प्रवाहित हो रही है। मैं तुम्हें गेम के रूल्स बता देता हूँ। चार चक्रव्यूह जो कार्ड्स के चारों सूट यानी क्लब डायमंड स्पेड और हार्ट के दुक्की से नहले तक के फाइटर्स फॉर्म किए हुए हैं। इनमें से किसी एक में क्वीन ऑफ हार्ट है। तुम्हें क्वीन ऑफ हार्ट को ढूंढना है और इसके लिए तुम्हें मिलेंगे सिर्फ दो चांस। इन दो चांस में तुमने क्वीन ऑफ हार्ट को ढूंढ लिया तो जीत तुम्हारी, और खूनी पत्ते तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। अगर तुम क्वीन को नहीं ढूंढ पाए तो
तो तुम्हें मिलेगी एक दर्दनाक मौत। फिलहाल मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बैडमैन और अन्य शतरंज की विसात पर बादशाह के चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं। आधे वार कमांडो हादसा खान और रतन डागा को वॉर इन्वेंट्री की ओर बढ़ने से रोकने में लगे हैं और बाकी आधे नारका से छूटे अन्य कैदियों से जूझने में। हादसा कहीं कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। जैसे तुम सभी के दिलों की धड़कन अचानक से रुक जाए, तुम्हें दिल का दौरा पड़ जाए। आह, ये कैसे किया तुमने? मेरे ब्रेसलेट से निकलने वाली कंपन हृदय की धड़कन को इस स्तर तक बढ़ा देती है कि शिकार हार्ट अटैक से मर जाए। अगर तुम इस वाइब्रेशन के सामने होते तो तुम्हारा भी यही हाल होता। फटाफट यह एंटीडोट सीरम घटक जाओ प्रिंसिपल। यहाँ धरती के नीचे गर्भगृह में ऐसे सैकड़ों हजारों वायरस मौजूद हैं जिनकी क्षमता और शक्तियों को अगर बहुगुणित कर दिया जाए तो कुछ ही पलों में इंसानों को खत्म कर दें। यह सीरम हमें उन सुपर वायरसेस से बचाएगा। तुम्हें नारका में बंद करने से पहले तुम्हारे सारे टेस्ट ट्यूब जब्त कर लिए गए थे, फिर इन वायरसेस की क्षमता बहुगुणित करने का सीरम कहाँ से लाओगे? वहीं से जहाँ से ये एंटीडोट सीरम आए हैं। मैंने कुछ वाइल अपने शरीर में छुपा लिए थे जहाँ से इन्हें कोई ढूंढ ना सके। छी, नहीं प्रिंसिपल, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने ये वाइल अपनी स्किन में छुपाया था। ये देखो, इस एक छोटी वाइल में इतना सीरम है जो यहाँ के वातावरण में मौजूद वायरसेस की शक्तियों को असाधारण रूप से बहुगुणित कर देगा। एंटीडॉट की वजह से हम इम्यून हैं, पर ये वॉर कमांडो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इनसे उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी कि ये गेम हार कर सरेंडर कर देंगे। फिर भी इस हाउस ऑफ कार्ड से निकलने के लिए इस वाहियात गेम को जल्दी ख़त्म करना होगा। सुपीरियर्स द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे हाउस ऑफ कार्ड्स खेलना होगा। डायमंड, हार्ट, स्पीड और क्लब के बिछाए चक्रव्यूह में से क्वीन ऑफ हार्ट्स को ढूंढने के मेरे पास सिर्फ दो मौके हैं। रबर बूट्स पर इनके विद्युत प्रवाह का कोई असर नहीं होगा। बैडमैन, वी हैव प्रॉब्लम, नक्षत्र हाउस ऑफ कार्ड्स खेल रहा है। हमें नक्षत्र को कवर करना होगा, उसे बैकअप की जरूरत है। फिलहाल तो तुम्हें बैकअप की जरूरत है। इस बिसात से तुम्हारी लाशें भी बाहर नहीं निकलेंगी। उफ, ओ ये प्यादे इतने दक्ष हैं कि हमें किसी भी तरह आगे बढ़ने नहीं दे रहे। सही कहा सेवर, ऐसा लगता है इनका उद्देश्य हमें उलझाए रखना है। बहुत ही ढीठ हैं ये, कितना भी पीट लो इन पर कोई असर नहीं हो रहा। फिलहाल नक्षत्र को अकेले ही निपटना होगा। हरसूट के खूनी पत्तों ने अपना अलग चक्रव्यूह बनाया है। क्वीन तक पहुंचने के लिए मुझे दुग्गी से लेकर नहले तक के पत्ते वाले इन फाइटर से भिड़ना होगा। सबसे पहले शुरुआत डायमंड सूट से करनी होगी। हर गेम का एक निश्चित पैटर्न होता है। अगर क्वीन ऑफ हार्ट को छुपना है तो वह कोई ऐसा सूट चुनेगी जहां उसे ढूंढना मुश्किल हो। ओह, इनके कॉस्ट्यूम धारदार हैं, प्लेइंग कार्ड्स का रूप ले रहे हैं। अब समझ आया कि इन्होंने इस गेम का नाम हाउस ऑफ कार्ड्स क्यों रखा। जैसे ताश के पत्तों को एक दूसरे से टिकाकर ताश का घर बनाया जाता है, वैसे ही अपनी कॉस्ट्यूम्स को धारदार ताश के पत्तों की तरह घर यानी चक्रव्यूह बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। ओ, लेजर बीम्स, दुग्गी के कॉस्ट्यूम पर बने दोनों डायमंड से दो लेजर बीम्स निकल रही हैं। तिग्गी से तीन और क्रम के साथ बीम्स बढ़ती जा रही हैं। ये बीम्स इनके कॉस्ट्यूम से टकराकर बिना इन्हें नुकसान पहुंचाए परावर्तित हो रही हैं। पूरे चौकोर घेरे में लेजर बीम्स का सघन जाल बन रहा है और घेरे से निकलने का एक ही तरीका है, ऊपर उठना, जो कि गर्भगृह की सीलिंग पर लगी डक्ट्स पर रोप फंसाकर आसानी से किया जा सकता है। यानी अब मुझे रोप पर झूलते हुए और इनके सरों पर जंप लेते हुए छक्का, सत्ता, अट्ठा और नैला के फॉर्मेशन में जाना होगा। बस एक बात समझ नहीं आ रही, हर चक्रव्यूह फॉर्मेशन में पहले नहले तक के पत्ते ही क्यों हैं? क्योंकि नहले पे दहला यहाँ है। मैं हूँ वह छुपा हुआ पत्ता, नहले पे दहला। हा हा हा, अल्केमिस्ट, तुम्हारे यहाँ होने का मतलब है कि क्वीन ऑफ हार्ट्स इस डायमंड सूट में नहीं है। सही समझे नक्षत्र, इस सूट में सिर्फ तुम्हारी मौत है। चतुर्थ अध्याय समाप्त। पंचम अध्याय आरंभ। ट्रंप कार्ड, अल्केमिस्ट, तुम फ्लैश गैंग, मेरा मतलब खूनी पत्तों का साथ दे रहे हो? साथ दे रहा हूँ। तू अब तक नहीं समझा लड़के, हम साथ ही हैं। जितने भी विलेंस को तूने और तेरी वॉर ने अरेस्ट किया था, उनका एजेंडा वॉर हेडक्वार्टर के भीतर भीतर पहुंचना था, ताकि तुम्हें छुड़ाने के लिए और विलेंस नारका और वॉर हेडक्वार्टर को हमला करें। वाह, क्या प्लान है। नहीं बेवकूफ, बाहरी टीम को यहाँ के चप्पे चप्पे की जानकारी हमने मुहैया करवाई। तुम लोगों पर कहाँ से कब और कैसे वार किया जा सकता है वो सब हमने बाहर की टीम को बताया और यहाँ इस फाइनल बैटल की तैयारी की। कैसे?
इस अभेद्य नारक जेल से इंफॉर्मेशन कैसे बाहर भेज पाए तुम? खेल में कोई भी पत्ता छोटा नहीं होता, एक जोकर भी जीती हुई बाजी पलट देता है। तुम्हें और तुम्हारे जैसे दूसरे सुपरवीज को लगता है कि आखिरी हत्यारा मगरा शतरंज खूनी पत्ते और फ्लैश फ्लैश बैंक जैसे विलन सीग्रेड हैं। आज यहाँ सीग्रेड विलन तुम्हारी हार का कारण बने हैं। हम नारका के अपने सेल से नहीं निकल सकते थे, किंतु आखिरी हत्यारा अपने साथ अपनी सैकड़ों ट्रेंड चीटियां लाया था। शाबाश मेरे नन्हे सिपाहियों, इस जगह के हर कोने तक फैल जाओ और यहाँ के चप्पे चप्पे का नक्शा तो मुझ तक पहुँचाना है तुम्हें। आखिरी हत्यारे के सिपाहियों ने पूरे वॉर हेडक्वार्टर और नारका जेल का नक्शा उस तक पहुँचाया, और आखिरी हत्यारा ने फ्लैशबैक के बारे में जो एक बात तुम नहीं जानते वह यह है कि फ्लैशबैक एक निर्धारित समय तक पीछे यानी फ्लैशबैक में जा सकता है। वॉर हेडक्वार्टर की सारी इन्फॉर्मेशन फ्लैशबैक बीते हुए समय में जाकर प्रिंसिपल को देता था, यानी उस समय में जब उसे तुम लोगों ने अरेस्ट नहीं किया था। यहाँ नारका में आना आसान था, पर बाहर निकलने और इस पूरे हेडक्वार्टर नारका और वॉर इन्वेंट्री पर कब्जा करने के लिए बैकअप चाहिए था। अब विश्व आबादी का कंट्रोल उसी के हाथ में होगा जो कंट्रोल करेगा वॉर इन्वेंट्री को, और वॉर इन्वेंट्री की फायरवॉल हो तुम, जो कि अभी एल्केमिस्ट के केमिकल से ध्वस्त होने वाली है। एल्केमिस्ट के घातक केमिकल से बचने के साथ साथ मुझे खूनी पत्तों का भी उपाय सोचना होगा, क्योंकि इन्होंने जो घेरा चारों ओर बनाया है उसका दायरा इतना छोटा है कि अधिक उछल कूद करके बचा नहीं जा सकता, और इनके इनसे शरीर के किसी भी अंग के टकराने का मतलब है आह। अगर दो तीन बार ऐसे ही झटके लग गए तो अल्केमिस्ट को जहमत उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरीका है, अगर अल्केमिस्ट की यह केमिकल वॉर इन खूनी पत्तों से टकराए तो। मैं तेरी चाल समझ गया लड़के, पर कोई फायदा नहीं। खूनी पत्तों की कॉस्ट्यूम जिस मटेरियल से बनी है उस पर कोई भी केमिकल असर नहीं करेगा। अल्केमिस्ट के बड़बोलेपन ने मुझे बचने का आइडिया सुझा दिया, बस उसके लिए मुझे थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी और अल्केमिस्ट को जी भर कर उसके केमिकल्स वॉर करने देना होगा। मेरी और खूनी पत्तों की कॉस्ट्यूम तो केमिकल प्रूफ है, पर अब तू क्या करेगा लड़के? मुझे जो करना है वह मैं कर रहा हूँ। ओह, केमिकल का धुआं पूरे चैम्बर में भर गया है। मुझे अपने मास्क का क्लियर विजन ऑन करना होगा जिससे धुएं में भी साफ देखा जा सकता है। अरे कहाँ गया वह लड़का? दहला पीटने का इंतजाम कर रहा था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि जितने घातक केमिकल्स का प्रयोग तू कर रहा है उसके लिए रबर या लेदर की कॉस्ट्यूम तू नहीं पहन सकता, यानी तूने मेटल कॉस्ट्यूम पहनी है जिस पर इन खूनी पत्तों में प्रवाहित होते करंट का असर भरपूर होगा। बस मैंने जानबूझकर तुझे अत्यधिक मात्रा में केमिकल्स प्रयोग करने दिया। जितनी देर तुझे अपना विजन क्लियर करने में लगा उतनी देर में मैंने सेलिंग पाइप पर रोप फंसाकर तुम्हारे ठीक पीछे खड़े नहले को पीट दिया। मैं ये पहले ही देख चुका था, इनकी कॉस्ट्यूम पर करंट का फ्लो गर्दन के ऊपर के हिस्से में नहीं है। तुम्हारे मास्क में फिट क्लियर विजन जैसा मोड खूनी पत्तों की कॉस्ट्यूम में नहीं है, जिसका फायदा उठाकर मैंने नहले की कॉस्ट्यूम पहन ली। डायमंड सूट अब तुम पर वार नहीं करेगा नक्षत्र, क्योंकि तुम तहले को पीट चुके हो। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है, आखिरी मौका। यह स्पष्ट है कि क्वीन ऑफ हार्ट की वास्तविक जगह है हार्ट सूट, यानी कोई भी हार्ट सूट में क्वीन ऑफ हार्ट को तलाश नहीं करेगा। इसका मतलब उसे छुपाने के लिए सबसे कारगर सूट है सूट ऑफ हार्ट। धड़ाक, साय, कच, ओ। ये लोग मेरा फाइटिंग स्टाइल स्टडी कर रहे थे, अभी उसी स्टाइल में मुझ पर एक साथ हमला कर रहे हैं। इनसे निपटना पिछले सूट वाले खूनी पत्तों से कहीं अधिक मुश्किल है। बूम, उफ, ये हार्ट्स ऑफ ब्लेड के साथ मिनी बॉम्ब्स का काम भी करते हैं। पिछले सूट के खूनी पत्तों की पोशाकें अल्केमिस्ट के केमिकल्स को ध्यान में रखते हुए केमिकल प्रूफ थी, क्या इस सूट के खूनी पत्तों की पोशाकें भी केमिकल प्रूफ हैं? जवाब इन एसिड कैप्सूल्स किससे सामने आ जाएगा। नहीं, इनकी प्लानिंग के मुताबिक डायमंड सूट के तहले के रूप में एल्केमिस्ट को रखा गया था, इसलिए स्पेड के खूनी पत्तों की पोशाकें केमिकल प्रूफ थी। हार्ट सूट के खूनी पत्तों पर एसिड कैप्सूल असर हो रहा है। एसिड कैप्सूल इतने पावरफुल नहीं थे कि इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा पाए, सिर्फ इनके कॉस्ट्यूम में छेद हुए हैं। खैर, मेरा काम हो गया, अब बस इनके वारों से इस तरह बचना है ताकि हार्ट बॉम्ब्स सीलिंग पर उस वाटर सप्लाई पाइपलाइन से टकराएं। एसिड कैप्सूल इनकी कॉस्ट्यूम्स को काटकर शरीर तक बेशक नहीं पहुंच पाए हैं, पर इनके कॉस्ट्यूम की इनर प्रोटेक्टिव लाइनिंग को गला दिया है, जो इन्हें
कॉस्ट्यूम्स में हो रहे करंट फ्लो से सुरक्षित रखे हुए थे। ब्लास्ट हुई वाटर पाइपलाइन से निकलती पानी की फुहार जैसे ही इन पर पड़ेगी ये करंट से चीख उठेंगे, आह या। अब बचा छक्के से नहले का फॉर्मेशन जिसके भीतर मेरी जीत या हार छुपी है। उफ, ये फॉर्मेशन के भीतर ही नहीं, ये तो फॉर्मेशन के भीतर ही नहीं जाने दे रहे। मेरे पास और एसिड कैप्सूल भी नहीं जो इन पर यूज कर सकूं। खच खच, और ना ही अब जिसमें इतनी ताकत बची है कि इनसे घंटों मुकाबला कर सकूं। मेरा काफी खून बह चुका है और लगातार खून बहने से कमजोरी मुझ पर हावी हो रही है। मुझे कोई तरीका सोचना होगा इनसे निपटने का। मेरा फ्लेम थ्रोअर गन, अब यही फ्लेम थ्रोअर गन मुझे इनकी फॉर्मेशन में एंट्री दिलाएगा। अपना समय बर्बाद कर रहे हो नक्षत्र, होनी पत्तों की पोशाकें फायर प्रूफ हैं। इस फ्लेम थ्रोअर गन का कोई असर नहीं होगा उन पर। मेरा निशाना खूनी पत्तों की कॉस्ट्यूम्स है भी नहीं, मेरा निशाना इनके बूट्स के रबर सोल हैं। इनके कॉस्ट्यूम में करंट फ्लो है तो अर्थिंग से खुद को बचाने के लिए यकीनन इनके बूट्स रबर के होंगे जो कि आग से पिघल और फर्श से चिपक जाएंगे और ये अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएंगे। और मैं आराम से इन्हें पीटते हुए पहुंच जाऊंगा अपनी मंजिल तक। कड़ाक, क्वीन ऑफ हार्ट्स, खेल खत्म हो गया। वाकई खेल खत्म हो गया नक्षत्र। एक और क्वीन ऑफ हार्ट, मुझे पता था तुम लोग फेयर गेम नहीं खेलोगे। नहीं नक्षत्र, गेम फेयर है। तुम ताश के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड को भूल गए, जोकर, जो किसी भी कार्ड की जगह ले सकता है। और यहां जोकर मैं हूं, विदूषक। खच आह। पंचम अध्याय समाप्त। क्रमशः कथा जारी है सर्वप्लय में। ठीक है दोस्तों, सर्वनायक सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। अब मिलते हैं सर्वनायक सीरीज की अगली कॉमिक्स सर्वप्रलय में। तब तक के लिए धन्यवाद।